तो फिर बात करते हैं इसकी स्टोरी के बारे में। तो स्टोरी में अपना हीरो इतना ज्यादा वीक होता है अपने वर्ल्ड में कि उसके टीममेट्स उसको एज अ गार्बेज ट्रीट करते हैं, उससे सामान उठवाते हैं, बैग्स उठाते हैं, मतलब उसको कॉम्बैट करने तो देते ही नहीं है कि वो इतना ज्यादा वीक होता है। सो एक बार तो उसकी टीम एक डोमेन करने चली गई थी जहाँ पे उस डोमेन में एक सेक्रीफाइस मांगा था, वरना उसकी टीम कभी जा नहीं पाती, निकल नहीं पाती उस डोमेन से। लेकिन उस टीम ने अपने उस बंदे को आगे कर दिया, अपने हीरो को आगे कर दिया, ये सेक्रीफाइस हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। और वहाँ पे अपना हीरो जब उस स्टैचू से लड़ता है, वो स्टैचू उसको मार ही देता है, तभी के तभी इंस्टेंटली उसको नोटिफिकेशन आता है क्या तुम जीना चाहते हो, और वहीं से सब बदल जाता है। और अपना हीरो फिर उस पर यस करके उसको अगली चीज़ पता चलती है कि वो हॉस्पिटल में उठता है, उसको एक नई लाइफ मिलती है जहाँ पे उसको टास्क दिए जाते हैं कि हर दिन के अगर तू इतने टास्क करेगा तो तेरा लेवल अप होगा। तो ऐसे करते करते अपना हीरो इतना ज़्यादा मतलब रिप्ड कह लो, ताकतवर कह लो, कि टाइम पे वो किंग ऑफ शैडो का टाइटल मिल जाता है, वो इतना पावरफुल मिल जाता है, पूरी आर्मी से भिड़ जाना, मतलब मैं इतना बोलूँ इसको पढ़ने में मुझे इतना मज़ा आ रहा था कि इसकी एनआईएम पे अब और ज़्यादा वेट बिल्कुल नहीं हो रहा है। और ये मैं बता दूँ, ये एक टाइम पे इसका इतना हाइप चला था ना कि सोलो लेवलिंग की एनआईएम जब आएगी तो शायद से ये बहुत से रिकॉर्ड ब्रेक करेगी, ये कोरियन की ऐसी एनआईएम मैंने तो आज तक नहीं देखी। We'll be right back.